और अब बात गांव पहुंच रहे गवर्नर की। जी हां, रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन आज सलामतपुर गांव पहुंचे, जहां करीब वो डेढ़ घंटे तक गांव वालों से मुलाकात करेंगे। दरअसल आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन जिस गांव में गए हैं वो कोई आम गांव नहीं बल्कि बिल्कुल अलग है, जहां लोग रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहर जाते हैं। यहां शहर में रहने वाले लोगों ने वापस लौटकर गांव की तस्वीर बदल दी है। इसे रिवर्स माइग्रेशन का नाम दिया गया है। अब इस रिवर्स माइग्रेशन को जानने के लिए आरबीआई के गवर्नर सलामतपुर गांव पहुंचे। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर गांव में ऐसा क्या कुछ हुआ है, ऐसा क्या चमत्कार हुआ है कि लोग शहर छोड़कर अपने गांव वापस लौट रहे हैं। रायसेन जिले में ये गांव है सलामतपुर, और आपको बता दें कि रघुराम राजन आज सलामतपुर पहुंच रहे हैं और वहां पहुंच चुके हैं। डेढ़ घंटे तक वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे और आखिर वो उस चमत्कार को जानने की कोशिश करेंगे, जिस चमत्कार ने ये दिखा दिया कि सिर्फ गांव से शहरों की तरफ पलायन नहीं होता बल्कि गांव से गए हुए लोगों ने गांव में आकर ही गांव की तस्वीर बदल कर रख दी है। दरअसल सलामतपुर गांव भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां कुल 5,227 परिवार रहते हैं। चार साल पहले तक गांव में एक परिवार की औसत कमाई करीब 4,000 रुपए हुआ करती थी। युवाओं के पास काम नहीं था, छोटी मोटी नौकरी के लिए या तो वो भोपाल जाते थे या फिर अन्य शहरों की तरफ रुख कर रहे थे। लेकिन गांव वालों ने एक नई पहल की, एक स्वयं सहायता समूह बना लिया। गांव में ही लोगों को रोजगार मिल सके इसके लिए बैंकों से सहायता मांगी गई। इस काम में ल्यूपिन फाउंडेशन ने उनकी मदद की। स्वयं सहायता समूहों को बैंक से कर्ज मिला। लोग अपने गांव में ही रोजगार कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहा है तो कोई दूसरे कामों में व्यस्त है। अब गांव में एक परिवार की औसत कमाई ठीक दोगुनी यानी कि 8,000 रुपए पर पहुंच गई है। और ये मिराकल कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ, यही जानने के लिए रघुराम राजन आज इस गांव पहुंचे हुए हैं। मकरंद काले जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, गांव में क्या चमत्कार हुआ डेढ़ घंटे की बातचीत में, ये तो बाद में पता लगेगा। रघुराम राजन जब गांव पहुंचे हैं किस तरह का रिएक्शन उनका रहा, और ये भी बताएं क्या तस्वीरें उनको नजर आई। देखिए, रघुराम राजन बेहद खुश नजर आए, और जो सांची ब्लॉक है, सांची ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं उनमें तकरीबन 1,086 महिलाएं हैं जो कि स्वयं सहायता समूह के जरिए अपना रोजगार चला रही हैं, अपना घर चला रही हैं, यानी कि एक तरह से 1,086 परिवार इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। स्पष्ट तौर पर यह चमत्कार से कम नहीं है कि किसी गांव की इतनी सारी, किसी क्षेत्र की इतनी सारी महिलाएं अब रोजगार से